सो हे माय एडिटिंग फैम, वंस अगेन वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया ही रहना। जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा, उस टाइप की कलर ग्रेडिंग आप अपने काइंड मास्टर में कैसे कर सकते हो। एंड आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। एंड जो जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने काइंड मास्टर को ओपन कर लेना है। एंड देन न्यू प्रोजेक्ट में जाके 19:16 का रेशियो क्रिएट कर लेना है। एंड उस वीडियो को ले लेना है जिसकी आप बैकग्राउंड कलर चेंजिंग करना चाहते हैं। आपको क्लिप को टच करना है, फिर 3 डॉट में जाना है, डुप्लीकेट एज लेयर में क्लिक कर देना है। फिर आपको डुप्लीकेट लेयर के म्यूजिक को बंद कर देना है। फिर आपको यहाँ से बैक हो जाना है, देन स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में जाके स्क्रीन को फुल कर लेना है। देन आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको मैजिक रिमूवर नेम से एक ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना। एंड अगर ये ऑप्शन आपके काइंड मास्टर में नहीं हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको काइंड मास्टर के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैं काइंड मास्टर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद अब हमें इनमें कलर ऐड करना होगा। एंड जहाँ से आपका नोट टू प्रो में कन्वर्ट होता है वहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको चले जाना है। एंड फिर ट्रिम एंड स्प्लिट के ऑप्शन में जाके स्प्लिट कर लेना है। एंड यही सेम प्रोसेस में आपका जहाँ जहाँ इमोट चेंज है वहाँ पे आपको स्प्लिट करते जाना है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से प्रो के स्टार्टिंग पॉइंट में आना, फिर लेयर में जाके मीडिया के ऑप्शन में, फिर इमेज एसेट्स में जाके येलो कलर चूज कर लेना। देन आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में जाके कलर को फुल स्क्रीन में कर लेना एंड कलर लेयर के ड्यूरेशन को फुल कर देना है। देन अगेन आपको कलर लेयर को क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाके ओवरले में कर देना। इसके बाद कलर को टच करना है, फिर 3 डॉट के ऑप्शन में जाके सेंड टू बैक कर देना। देन आपको फिर से जहाँ जहाँ आपका इमोट चेंज है वहाँ पे आपको स्प्लिट करते जाना है। उतना हो जाने के बाद आपको सिंपली सा आपको कलर के सेकेंड लेयर में आना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके एडजस्टमेंट में चले जाना है। यू को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके कलर चेंज कर सकते हो। सेम प्रोसेस आपको बाकी क्लिप्स के साथ भी यही करना है। इतना पूरा हो जाने के बाद फिर से आपको नोट टू प्रो के स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना है, फिर लेयर के ऑप्शन में जाके इफेक्ट में जाना है एंड आपको गॉसियन ब्लर चूज कर लेना है एंड आपको ब्लर को फुल स्क्रीन में कर लेना है एंड फिर ब्लर के ड्यूरेशन को फुल कर लेना है एंड फिर ब्लर के लेयर को क्लिक करना है, 3 डॉट के ऑप्शन में जाके सेंड टू बैक कर देना। एंड दैट्स इट, हमारा वीडियो कम्प्लीट है एंड बस आपको वीडियो सेव कर लेना है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।